नमस्कार, मैं प्रिया। आज एक मास सुर्खियों की तरफ बढ़ने से पहले सभी के लिए अहम सूचना। अगर आप नॉलेज पॉइंट देखते आ रहे थे तो हमारे इस नॉलेज पॉइंट को अब दूसरे यूट्यूब चैनल रूबरू बिहार पर शिफ्ट कर दिया गया है, जिसके तहत अब जो भी बीपीएससी एस्पिरेंट्स हो या फिर जो बिहार के भूगोल या फिर विज्ञान या फिर इतिहास के बारे में रुचि रखते हैं तो वो वहां पर जाकर देख सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब चले बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने निकाली रिक्तियां। 6 सूत्रों पर आधारित बिहार का बजट हुआ पेश। आज धूमधाम से मनाई जाएगी शिवरात्रि। अब अमूल दूध पीना हुआ महंगा। आज से कई नियमों में होगा बदलाव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने निकाली रिक्तियां। दक्षिण बिहार के केंद्रीय विश्वविद्यालय ने प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के कुल मिलाकर 48 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए विषय की बात करें तो इसमें गणित, सांख्यिकी, कंप्यूटर विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीवन विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, भू विज्ञान, भूगोल, विकास अध्ययन, आर्थिक अध्ययन और नीति, राजनीतिक अध्ययन, समाजशास्त्रीय अध्ययन, ऐतिहासिक अध्ययन और पुरातत्व, मनोवैज्ञानिक विज्ञान, कानून और शासन, हिंदी, अंग्रेजी, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया, कॉमर्स एंड बिजनेस स्टडीज, फार्मेसी, फिजिकल एजुकेशन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 55% अंकों के साथ मास्टर्स डिग्री और यूजीसी नेट के साथ पीएचडी या समकक्ष योग्यता होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 23 मार्च 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.cusb.ac.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से जाकर ले सकते हैं। 6 सूत्रों पर आधारित बिहार का बजट हुआ पेश। बिहार के लिए सोमवार का दिन बेहद ही खास रहा, क्योंकि बिहार में 6 सूत्रों पर आधारित बजट को पेश कर दिया गया, जो कि वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने खुद ही पेश किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, विकास, कृषि, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का विकास और जन कल्याणकारी योजना इस साल हमारी प्रमुख प्राथमिकताएं बताई हैं। वहीं बीते दिन पेश किए गए बजट की बात करें तो कुल मिलाकर 2,37,691 करोड़ 19 लाख का रहा, जिसमें सबसे ज्यादा 16.5% यानी कि 39,000 करोड़ रुपए आवंटन शिक्षा क्षेत्र में किया गया। कृषि क्षेत्र में 29,000 करोड़ बजट का आवंटन भी किया गया। इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं के लिए 16,000 करोड़ रुपए का, समाज कल्याण के लिए 12,375 करोड़ के बजट का आवंटन कर दिया गया है। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सीएम नीतीश की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपना 71वां जन्मदिन मनाएंगे। वहीं आज उनके जन्मदिन को लेकर बिहार जदयू कार्यालय में भी बीते दिन से खूब सारी तैयारियां देखने को मिली, जिसके तहत ही एक तो राजधानी पटना सीएम नीतीश के जन्मदिन के पोस्टर से पटा नजर आया, वहीं जदयू कार्यकर्ताओं के तरफ से आज के दिन को विकास दिवस के रूप में मनाने का आवाहन बीते दिन ही कर दिया गया था। वहीं कई लोगों ने तो बीते दिन ही सीएम नीतीश को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई दे दी, जिसके तहत बिहार के उद्योग मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने मुख्यमंत्री को बीते दिन एडवांस में बधाई दी है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के साथ केंद्र में भी काम करने का अनुभव है और बिहार में भी वो अच्छा काम कर रहे हैं। इनके अलावा सीएम नीतीश को जन्मदिन की बधाई देने वालों का तांता लगातार देखने को मिल रहा है। आज धूमधाम से मनाई जाएगी शिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। दक्षिण भारतीय पंचांग अमावस्यंतः पंचांग के अनुसार माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को यह पर्व मनाया जाता है। वहीं उत्तर भारतीय पंचांग यानी कि पूर्णिमांत पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है। पूर्णिमांत और अमावस्यांत दोनों ही पंचांगों के अनुसार महाशिवरात्रि एक ही दिन पड़ती है, इसलिए अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से पर्व की तारीख वही रहती है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र आदि चढ़ाकर पूजा व्रत और रात्रि जागरण करते हैं। आज सभी मंदिरों में भक्तजन महादेव की पूजा में सराबोर नजर आने वाले हैं। आज से कई नियमों में होगा बदलाव। आज से मार्च महीने की शुरुआत हो गई है। वहीं आज से ही नए नियमों में बदलाव भी होने जा रहा है, जिसके तहत ही आज से IPPB यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपने डिजिटल सेविंग्स अकाउंट के लिए क्लोजर चार्जेस लेना शुरू करने का ऐलान कर दिया है। यानी कि अब आपको चार्ज का भुगतान करना पड़ सकता है। बैंकों के एटीएम में कैश भरने के लिए नियम मार्च में बदलने जा रहे हैं। पेंशनर्स के लिए 28 फरवरी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की अंतिम तारीख रखी गई थी, यानी कि 1 मार्च से यह सरकार की तरफ से दी गई ये छूट खत्म हो जाएगी। RBI ने डिजिटल पेमेंट में बड़े बदलाव की तैयारी कर ली है। प्रॉपर्टी QR कोड का इस्तेमाल करने वाले एक या अधिक
इंटर ऑपरेबल QR कोड की तरफ से स्थानांतरित होंगे। गौरतलब है कि हर महीने की पहली तारीख को LPG सिलेंडर की कीमत तय होती है। चूंकि गैस के दाम सीधे आम आदमी की रसोई से जुड़े होते हैं, तो लोगों की नजर इस पर सबसे कम रहती है। हाल ही के कई महीनों में अगर हम देखें तो रसोई गैस की कीमतों में बदलाव नहीं हुआ है। ऐसे में 1 मार्च 2022 को इसकी कीमत में बदलाव की संभावना भी जताई जा रही है। विजय कुमार सिन्हा से दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। हाल ही में बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा से दुर्व्यवहार का मामला संज्ञान में आया था। वहीं अब विजय सिन्हा ने दुर्व्यवहार करने वाले पुलिसकर्मियों पर प्रशासन की गाज गिर गई है। यानी कि दुर्व्यवहार करने वाले दोनों पुलिसकर्मियों को उनके पद से हटा दिया गया। इसको लेकर लखीसराय के SDPO और दो थानेदार को हटाने का आदेश बीते दिन पारित हुआ है। बीते दिन ही सदन में ये मामला उठा। सदन की कार्यवाही शुरू होने पर अध्यक्ष ने दुर्व्यवहार मामले में संलिप्त कर्मियों को हटाने का आदेश जारी किया। लंबित एरियर भुगतान की मांग के लिए शिक्षकों ने दिया धरना। अपने लंबित एरियर भुगतान और समय पर वेतन भुगतान की मांग को लेकर बीते दिन सभी नियोजित शिक्षकों ने BEP कार्यालय के बाहर धरना दिया। इस दौरान नियोजित शिक्षक संघ गोपगुट के नेतृत्व में धरने पर बैठे TET STET उत्तीर्ण नियोजित शिक्षकों ने कहा कि सभी जिलों में स्थानीय निकायों में नियुक्त शिक्षकों को ससमय वेतन भुगतान का अभाव और एरियर भुगतान में वर्षों से विलंब सहित अन्य समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इससे शिक्षकों में भारी आक्रोश है। मजबूर होकर हमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद कार्यालय में के सामने प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जिसके बाद ही संगठन के प्रदेश प्रवक्ता अश्विनी पांडे और प्रदेश सचिव शाकिर इमाम ने सहायक शिक्षकों का दर्जा, पुरानी पेंशन की बहाली, नियमावली के अधिनियमों के अंतर्गत प्रोन्नति, नियमित वेतन भुगतान और लंबित एरियर भुगतान की मांग पर संघर्ष को तेज करते हुए राज्यव्यापी आंदोलन का ऐलान भी किया। सातवें चरण में बहाली शुरू करने की उठी मांग। हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से छठे चरण के अभ्यर्थियों की बहाली के लिए नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने तो ये आश्वासन दिया था कि छठे चरण के अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देते ही सातवें चरण की बहाली शुरू हो जाएगी, लेकिन अब तक इसकी सुगबुगाहट देखने को नहीं मिल रही है। यही कारण है कि अब STET और TET पास हजारों अभ्यर्थियों ने सरकार से सातवें चरण की बहाली की मांग शुरू कर दी है। इसको लेकर बीते दिन से ही शिक्षक अभ्यर्थियों ने ट्विटर के माध्यम से कैंपेन की शुरुआत कर दी, ताकि जल्द से जल्द उन्हें भी शिक्षक के तौर पर काम करने का मौका मिले। अभ्यर्थियों ने ऐसा नहीं होने पर जल्द ही एक आंदोलन की घोषणा भी कर दी है। होली से पहले शराबियों को सरकार ने दी बड़ी राहत। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, इसकी जानकारी आप अगर अखबार उठा लें या फिर न्यूज चैनल ही लगा ले तो समझ जाएंगे कि बिहार में आखिर शराबबंदी के आड़ में हो क्या रहा है। हालांकि इन सबके बावजूद बिहार सरकार बिहार में शराबबंदी कानून को लागू करवाने में लगी हुई है। यही कारण है कि शराब माफियाओं और शराबियों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लेकिन अब शराबियों को बिहार सरकार बड़ी राहत देती नजर आ रही है, जिसके तहत ही अब बिहार में शराब पीने वाले जेल नहीं जाएंगे, लेकिन पुलिस को शराब माफियाओं की जानकारी पूरी होगी। उत्पाद विभाग की तरफ से जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार अब शराब पीने वाले व्यक्ति अगर शराब तस्कर की सही जानकारी दे देते हैं तो उसे छूट दी जाएगी और जेल नहीं भेजा जाएगा। बिहार में अगले 3 दिनों तक मौसम रहेगा शुष्क। बंगाल की खाड़ी से आ रही पछुआ हवा से बिहार में बारिश का आसार बढ़ने की उम्मीद है। अगले 3 दिनों तक मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। हालांकि 2 दिन पहले मौसम विभाग ने यह संभावना जाहिर की थी कि रविवार से मौसम सामान्य हो जाएगा, लेकिन बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी युक्त पछुआ हवा के प्रवाह इस संभावना पर बड़ा असर डाल रहे हैं। इससे राज्य के कई हिस्सों में बादल छाए रहने के साथ ही मेघ गर्जन, बिजली चमकने के साथ हल्की बारिश और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी होने के आसार हैं। यूपी की सीमा से सटे भभुआ जिले के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी देखने को मिली थी, जिसके बाद मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि मौसम में सोमवार को भी आकाश में बादल छाए रहे हैं और अगले दिन भी इसी की उम्मीद है। वहीं पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश तो कुछ इलाकों में बिजली चमकने का पूर्वानुमान जारी किया है। बिहार में बढ़ा वन क्षेत्र तो वहीं नए जल स्रोतों का हुआ निर्माण। हाल ही में बिहार सरकार की तरफ से पेश किए गए बिहार आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें ही बिहार में वन क्षेत्र बढ़ने की जानकारी निकल करके सामने आई है। जारी किए गए आंकड़े के अनुसार साल 2020-21 में लगभग 4,436 हेक्टेयर वन क्षेत्र को मृदा और नमी संरक्षण कार्य के तहत बेहतर बनाया गया है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 439.64 लाख पौधे प्राप्त करने के लिए 275 विभागीय पौधाशालाओं और 365 किसान पौधाशालाओं की स्थापना की गई थी। वहीं मनरेगा के तहत 2020-21 में चिन्हित व्यक्तिगत लाभार्थियों की जमीनों पर 4,952 तालाब भी बनाए गए हैं। अब अमूल दूध पीना हुआ महंगा।
लगातार बढ़ती महंगाई के बीच अमूल दूध पीना महंगा हो गया है। मिली जानकारी के अनुसार महंगाई के बीच अमूल ने दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 1 मार्च से लागू होंगी। अमूल का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की तरफ से बताया गया है कि 1 मार्च से पूरे देश में ये बढ़ोतरी लागू की गई है, यानी कि अब आज से अमूल गोल्ड का 500 मिलीलीटर वाला पैकेट 30 रुपए का, अमूल ताजा 24 रुपए का और अमूल शक्ति 27 रुपए का मिलेगा। अमूल के अनुसार कीमतों में इजाफा उत्पादन खर्च में बढ़ोतरी के कारण किया गया है। अमूल ने बताया कि 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी केवल 4% होती है, जो कि औसत महंगाई दर से काफी कम है। बीपीएससी एमवीआई एग्जाम की घोषित हुई तारीख। बीपीएससी यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से मोटर यान निरीक्षक पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करने की तैयारी हो रही है, जो कि बीपीएससी की तरफ से 5 और 6 मार्च को लिया जाएगा। आयोग के संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार ने बताया कि परिवहन विभाग के अधीन होने वाली एमवीआई परीक्षा की तैयारी हो चुकी है। ये परीक्षा 5-6 मार्च 2022 को आयोजित की जाएगी। पहले ये परीक्षा सितंबर 2021 में संभावित थी, लेकिन ये स्थगित की गई थी। ज्ञात हो परिवहन विभाग के अधीन खाली 90 पदों के लिए ये लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसमें सफल उम्मीदवारों को अगले चरण की परीक्षाओं में शामिल होने का मौका मिलेगा। पटना के बुद्ध स्मृति पार्क में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। पटना रेलवे जंक्शन के पास ही 22 एकड़ जमीन में बुद्ध स्मृति पार्क बना है, जिसे बनाने में 125 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई है। इसमें 6 देश से लाए गए बुद्ध के 80 अवशेष की मंजूषाएं रखी गई हैं। यहां लेजर शो दिखाया जाता है, जिसमें रामायण, महाभारत, गौरवशाली इतिहास और भारत के महापुरुषों से जुड़े महत्वपूर्ण बातों को लेजर शो के माध्यम से दिखाया जाता है। ये देश विदेश के मुख्य आकर्षण केंद्र में से एक है। विपश्यना मेडिटेशन सेंटर विशेष आकर्षण है। पार्क ऑफ मेमोरी खुला स्थान है, जिसमें कई देश के विशिष्ट स्तूप है। इसमें 5000 लोग बैठ सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी कई ऐसे आकर्षण यहां मौजूद है, जिसे देखकर आपको पर्यटन का आनंद मिलेगा। नीतीश सरकार में बिहार की जीडीपी हुई केन्या के बराबर। बिहार की सूरत पिछले 16-17 सालों में विकास के मोर्चे पर अब तक कई उपलब्धि हासिल कर चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब 2005 में बिहार की कुर्सी संभाली थी, तब से ही इसका प्रभाव बिहार के विकास पर भी दिखा है। यही कारण है कि बिहार की जीडीपी आज के समय में केन्या जैसे देश के बराबर पहुंच गई है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार बिहार की जीडीपी 7.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की है, जो कि केन्या देश के बराबर है। वहीं केन्या की अनुमानित दर अफ्रीका डेवलपमेंट बैंक के अनुसार 5.9% रह सकती है, यानी कि ग्रोथ के मामले में भारत का ये प्रदेश केन्या देश से आगे रहेगा। होली में बिहार आने वाली सभी ट्रेनों की सीटें हो रही हैं फुल। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, होली आने में अब बस कुछ ही दिन का समय बच रह गया है। ऐसे में होली में घर आने वालों की संख्या में बड़ी तादाद में इजाफा भी देखने को मिल रहा है। इस बार भी ऐसा ही कुछ माहौल है, जिसके कारण ही ट्रेनों में अब तेजी से सीट फुल होने लगे हैं। आलम कुछ यूं है कि बिहार आने वाली किसी ट्रेन में अब सीट उपलब्ध नहीं मिल रही है। प्रत्येक ट्रेन में लंबी वेटिंग लिस्ट चल रही है। बिहारवासी अब स्पेशल ट्रेन के घोषणा का इंतजार कर रहे हैं। कई लोगों ने ट्रेन छोड़कर फ्लाइट की तरफ अपना रुख कर लिया है। अभी से ही बुकिंग करने में ज्यादा कीमत नहीं देना पड़ रहा। दिल्ली के अलावा मुंबई, असम, कोलकाता, अमृतसर आदि राज्यों से आने वाली हर ट्रेन में सीट के लिए मारामारी देखने को मिल रही है। 1 मार्च से दौड़ेगी वाराणसी बरकाकाना ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 मार्च यानी कि आज से वाराणसी बरकाकाना ट्रेन का परिचालन शुरू होने वाला है। कोरोना काल में वैसे ही कई ट्रेनों के परिचालन को बंद कर दिया गया था, जिसको ही अब एक करके खोला जा रहा है। इसी कड़ी में 3 राज्यों को जोड़ने वाली ट्रेन संख्या 63557, 63558 बरकाकाना वाराणसी बरकाकाना बीटीएम पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 1 मार्च से शुरू होगा। ट्रेन के परिचालन शुरू होने की सूचना से यात्रियों में काफी खुशी है। ट्रेन के फिर से शुरू होने की जानकारी पलामू के सांसद सदस्य बीडी राम ने दी है। उन्होंने बताया है कि बरकाकाना वाराणसी बीडीएम पैसेंजर ट्रेन का परिचालन 1 मार्च 2022 से शुरू करने की व्यवस्था करने का आदेश रेलवे बोर्ड द्वारा पारित कर दिया गया है। बजट पेश होने के साथ ही राजद ने साधा निशाना। बीते दिन बिहार के बजट को पेश कर दिया गया। वहीं बजट के पेश होने के साथ ही विपक्ष की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी देखने को मिला, जिसके तहत ही जहां एक तरफ वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बीते दिन बजट पेश किया, वहीं दूसरी तरफ राजद के विधायक मुकेश रोशन ने कहा कि बजट में बिहार के लोगों को झुनझुनना थमा दिया गया है। बजट में रोजगार का जिक्र नहीं है, ये बजट पूरी तरह झूठा है। रोजगार के नाम पर युवाओं के लिए कुछ नहीं है, रोजगार के बारे में कोई बात नहीं की गई, ये बजट झूठ का पुलिंदा है। सरकार ने जो वादा किया था सब झूठ निकला। अलग अलग क्षेत्रों के लिए किए गए सारे वादे बजट में कहीं भी नहीं थे। नहीं रुक रही है बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी।
बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, जिसको लेकर हर दिन कोई न कोई नया खुलासा होता ही रहता है। बीते दिन भी एक बार फिर से प्राइवेट स्कूल की मनमानियों का जिक्र विधानसभा में उठा, जब भाकपा माले के विधायक मनोज मंजिल और अजीत कुशवाहा समेत अन्य सदस्यों की तरफ से ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए सरकार से यह जवाब मांगा गया कि राज्य के अंदर गरीबों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना का क्या हाल है। उन्होंने बताया कि बिहार के प्राइवेट स्कूल में प्रारंभिक स्तर पर 25% गरीब छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा योजना लागू करने के प्रावधान का पालन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूल में शिक्षा की सुविधा नहीं मिल पाती है। बजट सत्र के बाद विपक्षी नेताओं ने किया राजभवन मार्च। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान बिहार के भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बिजौल के द्वारा मुस्लिमों को लेकर दिए गए बयान का मामला खूब उठाया गया। इस दौरान विधायक की बर्खास्तगी की मांग की गई। विधानमंडल के दोनों सदनों में हंगामे के बाद विपक्षी विधायक राजभवन पहुंचे और हरिभूषण ठाकुर को बर्खास्त करने संबंधी मांग का ज्ञापन भी सौंपा। सदन में हंगामे के बाद विपक्ष राजभवन मार्च पर निकला। पैदल मार्च करते हुए राजभवन पहुंचे विपक्षी विधायकों में से एक राजद विधायक आलोक मेहता ने कहा कि विधानसभा ने उन्हें न्याय नहीं दिया है, लेकिन अब वो अपने अभिभावक राज्यपाल से न्याय मांगने राजभवन पहुंचे थे। बिहार का बजट सत्र छोड़कर नेता प्रतिपक्ष निकले चेन्नई। राजनीति की जो भी बात होती है तो संभावनाओं के द्वार खुले होते हैं, यानी कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। बीते दिन भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, जब बिहार का बजट पेश किया गया। इस दौरान जहां उम्मीद होती है कि नेता प्रतिपक्ष कम से कम बजट पेश होने के दौरान सदन में होंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही दिखी। बीते दिन जहां एक तरफ सदन में बजट पेश किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चेन्नई के लिए रवाना हो गए। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार तेजस्वी वहां तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम प्रमुख एम के स्टालिन की आत्मकथा के विमोचन में शामिल होने गए हैं। हालांकि तेजस्वी बजट होने से पहले सदन के बाहर विरोध करने जरूर पहुंचे थे। रेलवे के नए फीचर से अब फटाफट होगी टिकट की बुकिंग। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है, खासकर उन यात्रियों के लिए जिन्हें अचानक यात्रा करनी पड़ जाती है और तत्काल टिकट नहीं मिल पाता है। ऐसे में भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग को आसान बनाने के लिए एक ऐप लॉन्च कर दिया है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड ने तत्काल टिकट के लिए कन्फर्म टिकट ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से यात्री अपना घर बैठे बैठे आराम से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। IRCTC के अनुसार तत्काल टिकट पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध है और यात्रियों को संबंधित ट्रेन के प्रस्थान से 24 घंटे पहले टिकट बुक करना होगा। एसी ट्रेन टिकटों के लिए तत्काल बुकिंग सुबह 10 बजे से और नॉन एसी ट्रेन टिकट के लिए 11 बजे से शुरू होती है। रोजगार देने के मामले में विफल साबित हुई पीएम मोदी की ग्रामीण कौशल योजना। बेरोजगारी के मुद्दे पर घिरी केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार मुहैया करवाने के लिए ही दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत की थी, लेकिन अफसोस कि केंद्र सरकार की ये योजना विफल साबित हुई है, जिसका खुलासा हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए रिपोर्ट में हुआ है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से पेश किए गए ताजा रिपोर्ट के अनुसार 4 साल पहले जहां इस योजना में 2,41,509 ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग देने का काम किया गया था, वहीं अब ये संख्या सिमटकर 23,186 पर सिमट गई है, जिसके बाद ही केंद्र सरकार खुद भी रिपोर्ट देखकर हैरान है। यही कारण है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस संदर्भ में गंभीरता से उचित कदम उठाने के लिए निर्देश जारी कर दिया है। महेंद्र सिंह धोनी का लुक हुआ वायरल। अपने फैंस के दिलों पर राज करने वाले फ्रेंचाइजी चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आए दिन अपनी एक्टिविटी को लेकर चर्चा में रहते हैं। पिछले साल भी आईपीएल 2021 में आईपीएल एड में उनका टपोरी वाला लुक वायरल हुआ था और एक बार फिर से धोनी का आईपीएल 2022 के प्रोमो का लुक वायरल हो गया है। पिछले साल आईपीएल 2021 को लेकर उनकी एक एड आई थी, जिसमें उनके हेयर स्टाइल कुछ इस तरह थी कि वो वीडियो दर्शकों को काफी फनी लगा था, वहीं अब काफी वायरल भी हुआ था और अब आईपीएल 2022 में भी आईपीएल का प्रोमो आने वाला है और इसमें धोनी का लुक काफी तेजी से वायरल हो रहा है और इसको देखकर फैंस अभी से ही आईपीएल के प्रोमो को लेकर उत्साहित है। हालांकि वायरल हो रहे इस वीडियो में यह सुनिश्चित नहीं किया गया है कि आईपीएल का प्रोमो ही है या कुछ और। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन जी ने 1928 में प्रकाश के विवर्तन का अपना शोध दुनिया के सामने पेश किया था। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने 2009 में चावला को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाने की घोषणा की थी। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1 मार्च 2010 को अपनी सऊदी अरब यात्रा के दौरान दोनों देश के बीच प्रत्यर्पण संधि की। इसके साथ ही विज्ञान, तकनीक और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में 10 हस्ताक्षर किए। भारत ने 1 मार्च 2010 के दिन ही हॉकी विश्व कप के पहले मैच में पाकिस्तान को हार की धूल चटाई थी। भारत ने पाक को इस मैच में 4-1 से हराया था। मार्च 1930 में भारत के मशहूर उद्योगपति रामप्रसाद गोयनका का जन्म हुआ था। मार्च 1942 में लेखक रमेश उपाध्याय का जन्म हुआ था। 1914 में भारत का वॉइसरॉय तथा गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो द्वितीय का निधन भी हुआ था।
कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है नुनू कुमार, रोहित कुमार सिंह, मनीष कुमार, पूजा कुमारी, गौतम कुमार, ललन मोटिव, गौतम सिंह, विजय कुमार मंडल, सुमन कुमार, अजीमा फिरदौस, अभिषेक कुमार, सुधीश राज, अमित कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। हालांकि सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, अगर आप क्रिकेट प्रेमी हैं और क्रिकेट से जुड़ी खबरों से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे YouTube चैनल चक दे क्रिकेट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार सरकार की तरफ से पेश किए गए बजट से आप संतुष्ट हैं या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।